देखिए दो बातें हो रही है, एक तो समाज इस बात को लेकर एग्री नहीं है कि उनको लगता पूरा यकीन नहीं है कि रोहित गोदारा ने ही हत्या करवाई है, उनको लगता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें गुमराह की जा रही है। दूसरा, जिस नवीन को जो हमलावर साथ में हमलावरों के साथ में था उसकी हत्या की गई क्रॉस पावर में, तो उनको लगता है कि एक बड़ी साजिश है, चुनावी साजिश है। फिर हम लोग बात कर लेते समाज के लोगों, राम सिंह जी थोड़े से आप खड़े होइए, या आपको तो आप देखिए कि इस वक्त आप ये है कि चर्चा चल रही है समाज के लोगों की, उनको क्या फैसला करना है और किस कहां पर। आप तस्वीरें एक बार फिर मैं तस्वीरों में बताता हूं, आप तस्वीरें देखिए कि लगातार भीड़ यहां पर बढ़ती जा रही है और यही मुश्किल पैदा करेगी। तो आप अजीत सिंह जी मामरोली हैं, करणी सेना के नेता हैं, आप बताइए अजीत सिंह जी, बताइए कि क्या आपको लगता है कि ये रोहित गोदारा गैंग की ओर से कराया गया या कोई साजिश है। देखिए ये जांच का विषय है, पुलिस इस बात की जांच करे, कौन जिम्मेदारी ले रहा है, कौन लिप्त ले रहा है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। हमारा तो हमारे बीच से हमारा भाई गया है और ये जयपुर शहर के अंदर जो सामूहिक हत्याकांड हुआ है ये रेयरेस्ट मामला है जयपुर के अंदर कि एक समाज के प्रमुख को इस तरह से घर में घुस करके गोलियां मारी जा सकती हैं, तो फिर आम आदमी कितना सुरक्षित है। और हमारी सबसे पहली डिमांड ये है कि सुखदेव सिंह जी ने बार बार राजस्थान सरकार से, पुलिस से, प्रशासन से सुरक्षा की मांग की और उसके बावजूद उनको सुरक्षा नहीं दी गई, तो उन सब पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सुरक्षा देकर उनको वापस ले ली गई? नहीं, कोई सुरक्षा आज तक दी नहीं। देखिए सुखदेव जी ने कई बार प्रशासन को बोला, कई बार लिखित में दिया, कई बार उन्होंने ज्ञापन दिए, कई बार सुरक्षा मांगी गई, उसके बावजूद प्रशासन द्वारा अनदेखी कही गई। तो ये अनदेखी का आज जो अंजाम हुआ है वो आपके सामने है और हम ये चाहते हैं कि जो जितने भी अधिकारी है, जितने भी कर्मचारी है, उनको सबसे पहले उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। उनकी जिम्मेदारी तो हो जो सुरक्षा मांगने के बावजूद सुरक्षा नहीं दी। उनको सुरक्षा मांगने के बाद में हम लोग, मैं प्रदेश महासचिव हूँ राष्ट्रीय करणी सेना का, उन हम लोगों ने सबने हम लोग गए थे आज के दो तीन महीने पहले, हम लोग डीजी साहब के पास में भी देख सुरक्षा के लिए हम लोग लेटर देके आए थे, कलेक्टर के पास हम गए थे, कमिश्नर के पास हम गए थे, आनंद श्रीवास्तव साहब से। डर क्यों था, किस बात की धमकी दी गई थी? धमकी वो 36 कौम के लिए लड़ते थे, हर आदमी को जो वो गाय बेटी बहू सबके लिए लड़ते थे, तो कहीं कहीं किसी आदमियों को लोगों को लगता है कि ये आदमी हर आदमी के लड़ रहा है तो उसको झुकाने के लिए ये काम कर रहे हैं। क्यों नहीं देगी सरकार, आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या वजह थी जो पुलिस सुरक्षा नहीं? हो सकता है मिली जुली मामला हो, सरकार मिली हुई है उसके अंदर, सरकार मिली हुई है उसके अंदर। किससे है जो सुरक्षा नहीं दी है, जो जिन गुंडों से मिली हुई है और किससे मिली हुई है? सरकार मरवाना चाहती है जितने भी हिंदूवादी चेहरे हैं, जो भी अन्याय के खिलाफ जिसने भी आवाज उठाया है उसकी आवाज इस गहलोत सरकार ने दबाई है। सरकारें जितने भी हिंदूवादी चेहरे हैं उनको इस देश में से खत्म करना चाहते हैं और इसके पीछे बहुत ही बड़ी विदेशी ताकतों का हाथ है। गहलोत सरकार की बात करें, वो तो सरकार ही चली गई है, ये प्री प्लानिंग है। कल इस्तीफा देना, आज हत्या होना, कल अगर मानना होता तो कल मारते ना, कल इस्तीफा देना, आज हत्या होना, ये 100% गहलोत सरकार का इसमें हाथ नहीं, पूरी की पूरी सरकार है उसमें। सनातन धर्म को खत्म करने का इनका जो षड्यंत्र है, ये हिंदूवादी लोगों को खत्म करने में लगे हुए हैं। आप देखिए कि गुस्सा ज्यादा यहाँ पर समाज के अंदर, भवानी बहुत सारे कार्यकर्ता हैं और नाराज भी वो लगातार चल रहे हैं, जानकारी भी लगातार वो दे पा रहे हैं, लेकिन जो सीसीटीवी वीडियो निकल कर सामने आया है भवानी, उसको लेकर पूछिए उनसे कि जो गैंगस्टर अंदर घुसे थे, आखिर वो बदमाश क्या बोलकर अंदर घुसे थे? ऐसा लग रहा है कि कुछ बातचीत करने के नजरिए से वो अंदर घुसे थे लेकिन अचानक से गोलीबारी कर देते हैं, उसको लेकर क्या जानकारी है उनको? देखिए जो वीडियो सामने आया उसको लेकर तो आप बताओ जी, पांच कहते हैं वीडियो सामने आया, बता दो क्या कह रहे हैं, क्या उसको लेकर आप बता रहे थे सीसीटीवी वीडियो आधार लग रहा है कि जो ये पहले चल रहा था ग्रुप के अंदर चल रहा था कि नवीन शेखावत करके कोई लड़का है, उसकी भी वहाँ हत्या हुई है क्रॉस फायरिंग के अंदर। तो पहले ये ग्रुपों में चल रहा था कि नवीन शेखावत है, उसने ये हत्या करी है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज जो कमरे में सबके पास आई हुई है, नवीन शेखावत वहाँ बैठा हुआ था, नवीन शेखावत को उन्हीं हत्यारों ने, जो दो शूटर थे उन्होंने उनको मारा है,
पहले सब जगह चल रहा था कि नवीन जो है लड़का उसने उनको मारा है, उसने नहीं मारा है, उसको भी उन्होंने मारा है। क्या नवीन लेकर गया था हथियारों को? शायद हो सकता है वो उसके साथ गए हो, ये वो जांच का विषय हमें पता नहीं है। हमारे जो सोशल मीडिया में चल रही थी कि नवीन ने उनको मारा है, नवीन शेखावत ने उसको नहीं मारा है, उसको खुद हथियारों ने मारा है। क्या आप इस पर यकीन है कि रोहित गोदारा जो क्लेम कर रहा है उस पर भरोसा है कि ये टेंस गेम? हम पिछले 2 घंटे से यहाँ बैठे हैं, हमें इस चीज की जानकारी नहीं है, नेट यहाँ पे आ नहीं रहा है। अब किसने करी ये एंगल? पुलिस जांच करेगी। शासन की फेलियर है साहब, बिल्कुल सुरक्षा मांगी, सुरक्षा नहीं दी, और अभी भी हत्या होने के बाद में 2 घंटे हो गए, कहीं कोई नाकाबंदी नहीं है, कहीं भी कोई नहीं। आप तो लौटेंगे आपके पास भवानी, हालांकि जितने भी लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं वो सीधे और साफ तौर पर ये तो मानते हैं कि सुरक्षा की मांग यहां पर की जा रही थी सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी के जरिए, उन्हें वो मिली भी थी जैसा कि अमूप पाल से भी हमारी बातचीत हो रही थी, लेकिन 2 दिन में वो बता रहे हैं कि सुरक्षा वापस भी ले ली गई, और सवाल साफ साफ उठा रहे हैं कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी से उनकी सुरक्षा वापस क्यों ली गई, ये अब पिछली सरकार को जवाब देना चाहिए, ये उनका यहां पर कहना रहा है। लेकिन इस बीच बीजेपी के अब तमाम जो वरिष्ठ नेता है, दिग्गज नेता है, वो इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। क्या कुछ बीजेपी के वरिष्ठ नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, इस बाबत आप भी सुनिए। पिछली सरकार के समय से जिस तरह से राजस्थान में गैंग वॉर्स पनपी हैं, डिफरेंट गैंग्स के बीच में युद्ध शुरू हुए और राजस्थान को अराजकता की अग्नि में धकेला गया, ये उसी का दुष्परिणाम है। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय सुखदेव सिंह जी को जो धमकियां मिली थी उनके चलते हुए उन्होंने पुलिस प्रशासन को इसके लिए आगाह भी किया। पुलिस प्रशासन को हमने बातचीत की है। थैंक यू। तो कई सारी प्रतिक्रियाएं यहां पर निकल कर सामने आ रही हैं एक के बाद एक, लेकिन ये जो पूरा विषय है करणी सेना लगातार इसको लेकर मांग कर रही है कि इस पर पूरी कार्रवाई पूरे ढंग से होनी चाहिए, और जिस तरीके से जो सिक्योरिटी उनको दी जानी चाहिए थी वो आखिर हटा क्यों ली गई, जो पिछली सरकार रही है अशोक गहलोत की, वो जवाब भी लगातार अब करणी सेना उनके द्वारा मांग रही है। लेकिन जो सीसीटीवी वीडियो निकल कर सामने आया है वो साफ बताता है कि आखिर बदमाश किस तरीके से बेखौफ थे, और वो अंदर अचानक घुसते हैं और जैसे ही उनको सुखदेव सिंह वहां पर दिखते हैं ताबड़तोड़ 4 गोलियां उन पर वो दाग देते हैं और तुरंत वहां से फरार हो जाते हैं। और देखिए किस तरीके से उनको जब अस्पताल ले जाया जाता है वहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है। सीसीटीवी वीडियो लगातार सामने आया है, इसके आधार पर ही अब जो जांच है वो आगे यहां पर बढ़ाई जाएगी। हालांकि जो सख्ती है प्रशासन की वो अब और ज्यादा बढ़ा दी गई है जयपुर में, ताकि इस तरीके के बाकी और ना बढ़ पाए और पूरी तरीके से जो जांच है उस पर किसी भी तरीके का जो दखल है वो देखने को ना मिले। लेकिन ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है राजस्थान से, भवानी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जयपुर में ही वो मौजूद है मेट्रो अस्पताल के बाहर जहां पर उनका जो मृत शरीर है वो रखा गया है। भवानी, और क्या कुछ कहना है, जो कार्रवाई है पुलिस की वो आगे किस तरीके से अब बढ़ती हुई नजर आ रही है, और शुरुआती जांच में क्या कुछ पता चल पा रहा है? तो देखिए कि लगातार यहाँ पर जो एक तो पहुँचने का सिलसिला जारी है, मनोज जांगली है विधायक है यहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो यहाँ तो इस वक्त आप तस्वीरें देखिए कि आप दूसरी तरफ देखिए कि विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है, समर्थकों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, और यहाँ आप देखिए कि अब संख्या लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। ये भीड़ जो सिलसिला है हम देख रहे थे कि लगातार अब जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है जैसे जैसे वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जा रही है, और केवल ये मसला यहाँ का नहीं है, पूरे राजस्थान के अंदर इस तरीके के प्रदर्शन अब शुरू हो सकते हैं। जितनी गिरफ्तारी के अंदर देरी होगी उतने ही मुश्किलें बढ़ती जाएगी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ जो समाज के नेता हैं, लगातार राजपूत समाज के लोग हैं, करणी सेना से जुड़े हुए संगठन के लोग हैं, वो यहाँ पर अब पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया। तो ये तस्वीरें आप देखिए कि अब समाज अपनी तरफ से मीटिंग करके रणनीति तय करना चाहता है कि आगे उनको डिसीजन क्या लेना है, तो उसको लेकर एक रणनीति तय करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। आप फिर मैं एक तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, और मौके से हमारे यहाँ से देखिए भवानी पूरी तस्वीर यहाँ पर दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि जो अभी बैठक चल रही है, जो चर्चा यहाँ पर चल रही है, आगे की अब रणनीति क्या हो, अब ये भी यहाँ पर उनकी तरफ से तय किया जा रहा है, क्योंकि सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की जिस तरह से दिन दहाड़े हत्या की गई उसके बाद गुस्सा इनमें देखा जा रहा है, इंसाफ भी ये चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि जिस सुरक्षा की मांग यहाँ पर
की जा रही थी सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के जरिए, वो उन्हें नहीं मिली। हालांकि हमारे साथ करनी सेना के जो अध्यक्ष थे पालप्पू जी, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि मिली थी, सुरक्षा मिली थी, लेकिन उसके बाद वो बहुत जल्द वापस ले ली गई। महज दो दिन में उनसे उनकी सुरक्षा आखिर क्यों ले ली गई, सवाल इसमें खड़े किए। भवानी, एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे। आप बता रहे हैं यहाँ पर चर्चा का दौर जारी है, और अब चर्चा के बाद आपको क्या लगता है, क्या फैसले यहाँ पर लिए जा सकते हैं? देखिए कि आप अभी चर्चा चल रही है, इसलिए समाज के नेताओं से अभी बात करने में वक्त लगेगा, लेकिन हम बाकी लोगों से बात करते हैं इकट्ठे हुए में। आप बताइए कि आपको क्या लगता है, इधर आइए, आप आइए, आपको क्या लगता है कि ये जो एक रोहित के द्वारा गैंग है उसने जिम्मेदारी ली, आपको लगता है ये गैंग का काम है या कुछ साजिश है? ये 6 महीना पहले पुलिस के द्वारा इनपुट मिला था, मैं राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का प्रदेश महासचिव हूँ। 6 महीना पहले श्यामनगर थाने से 2 पुलिस वाले हमको दिए गए थे, वो ड्यूटी करते हो चले जाते, उसके बाद उनको बैठा लिया गया। उसके बाद में हमारा प्रतिमंडल जो करनी सेना का था, हम लोग प्रताप सिंह जी खाचरे वसिया पे गए, वहाँ पर सुरक्षा मांगी गई उनसे, लेकिन उन्होंने भी कुछ ध्यान नहीं दिया इस ओर। और हम लोग 2 साल से सुरक्षा मांग रहे थे सुखदेव सिंह जी के लिए, तो सुरक्षा नहीं दी गई। आज जो हुई घटनाक्रम, उसमें 15-20 मिनट पहले मैं भी वहाँ से निकल के आया था और घर पर कोई नहीं था, गनमैन साहब बाहर बैठे थे। उसमें हमारा एक आदमी था नवीन सिंह शेखावत, जो सुखदेव सिंह जी का तो थोड़ा सा कांग्रेस से जुड़ाव भी था, इस बार टिकट भी मांग रहे थे, उसके बावजूद सुरक्षा नहीं दी। अब इसमें तो सरकार की नाइंसाफी है कि समाज ने खूब आंदोलन किया सुरक्षा के लिए, कलेक्टर ज्ञापन में खुद देने गया हूँ, बहुत सारे लेटर पैड पड़े। सीसीटीवी फुटेज देखे आपने? देखे सीसीटीवी फुटेज? बिल्कुल सर। देखे, आपको क्या लगता है कि ये साजिश है? बिल्कुल साजिश है। किसकी साजिश है, आपको क्या लगता है? चुनाव से कोई ताल्लुक है? बिल्कुल, इसमें 100% चुनाव से ताल्लुक है।